कौन छो कृष्ण बोलो अर्जुन क्या बात है पार्थ समित जी तुम लोग यार ओए कुछ क्रिएटिविटी में साथ में रहा था सर हम मुझे लुकिंग नहीं है यो अभी सब जो परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको देखो कि इनमें से हम तुम यूज कर सकते हैं कैसे ये स्वामी विवेकानंद है वो देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो अर्जुन है वो कृष्ण है वो शिवाजी है तो ये सब ड्रेसेस है गांधी जी इधर आइए हाँ जी गांधी जी एम शो गांधी जो हाँ वैष्णव अरे सुभाष चंद्र बोस जी खाना नहीं मिला तुमको लगता है तू मुझे पूछो मैं तुम्हें आबादी दूंगा आबादी दूंगा आबादी नहीं आजादी चलो दिल्ली चलो दिल्ली बर्मा से दिल्ली ओके हाँ जी भारत माता नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं भारत माता आपको भी मेरे को भी आपको भी तेरे को भी आयुष्मान हो मैं नरेंद्र मोदी हूँ मैं मेरे देश के हर घर में नल और बिजली की बिजली 24 घंटे लाऊंगा मैं खाता भी नहीं और खाने भी नहीं देता भारत माता की Thank you.
मैं फोटो कर रहा हूं, मैं सेल्फी नहीं थी देखा, सेल्फी नहीं लेंगे जमा कर पे ना देखो अब आरिया लग रहा है, चलिए आरिया लग रहा है सब ओके सरकारी फोन है अंदर जाता हूँ क्या सामे सामे शूज अलाउड नमस्ते नमस्ते क्या बोलने का शुभ प्रभात बोलने का गुड मॉर्निंग नहीं क्या बोलने का शुभ प्रभात बोलो शुभ प्रभात केम छो कौन मजा में छे कौन छे कौन छे शक्तिमान शक्तिमान हां भारत में भीष्म पितामह छे अभी तो पैदा भी नहीं होंगे चलो ठीक है शक्तिमान जिसने भी शक्तिमान नहीं देखा है वो बोलो हमको दिखाओ अपने पापा को ठीक है शक्तिमान तुम लोग के लिए बनाया और कुछ सीखने को मिलता शक्तिमान अगर नहीं देखा किसी ने तो कैसे वो ना के देखो आप लोग यूट्यूब पे देखा ठीक है मतलब हंसते हंसते सीखो मैं हमेशा बोलता हूँ मार मार के मत सीखो हंसते हंसते सीखो बच्चा मैं पढ़ो छो कोई टेंशन नहीं मजा मजा में ही पढ़ने को ठीक है चलो हम लोग कोई मिलने आए थे अभी बैठ जाओ सब सबको साथ दिया वेरी गुड चलो बढ़िया और शक्तिमान बनने का बड़ा होगा तेरा भी आ गया पटेल साहब का ओके क्या ये सब असाइनमेंट चलो ये मॉडर्न तरीका है सीखने का भाई बोर्ड के ऊपर लिख के पढ़ते रहे और हमारे जब टीचर ने बोर्ड के ऊपर लिखना स्मार्ट मॉडल स्कूल बन रहे हैं सर जैसे आप बोल रहे थे कि हमारे बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुधे ने कहा मिले थे फारूक साहब है उन्होंने काफी हेल्प की जैसे कल तो साथ में बुक्स भी है और
कौन है? शिक्षा नहीं शिक्षा, वाह। अरे नमस्ते, अरे गुड मॉर्निंग, गेम शो, गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, शुभ प्रभात बोलेगा, क्या बोलेगा? बोल के देखो, शुभ प्रभात, सीखो सीखो, हमारे देश की हिंदी है, गुड मॉर्निंग बाहर की लैंग्वेज है ना, बड़ी ब्रिटिश के गुलाम है भी, तो ये बात है। ये आप लोग अभी कितना पढ़ते हो आप लोग? 6 से 14 साल के बच्चे हैं, 6 से 14 साल के। वेरी गुड, पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, आप कुछ भी खेलो, कुछ भी कूदो, अगर पढ़ोगे जिंदगी भर आपके काम आएगा, खेलोगे कूदोगे भूल जाओगे, पर खेलते रहो, खेलना बहुत जरूरी है, कभी भी जिंदगी में खेलना मत बंद करो, भागो भिजो धूप चीज अपने को, जंप मारो, कूदो, चोर पुलिस खेलो, थप्पा खेलो, लेकिन पढ़ो जरूर, ये आपके बहुत काम आएगी, आपके आपके घर वालों के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपका दिमाग खुलता है इससे, ठीक है ना? जैसे अभी आपको मैंने कुछ बोला तो आपका दिमाग थोड़ा और खुला होगा, तो इसीलिए शिक्षा जो है वो, जैसे अच्छा जी मैंने, शिक्षा सबको दी जाती है, शिक्षा बहुत जरूरी है, तो देखते रहो, चिंता में जी करिए तो ऐसे कर, स्माइल कर, वेरी गुड, अच्छी स्माइल है तेरी, ओके सर, यहाँ जाओ तो फिर साथ एक फोटो ले लेते हैं। हाँ, ये अभी तक फोटो नहीं मिला। हाँ, उस साइड चले जाइए सर। चेयरमैन सर, एक सब टिश्यू सर को बुला रहा हूँ, चेयरमैन सर, मैं दर्शकों को बता दूँ, और भाई नहीं, मेरे 9 से 12 के बीच में मुझे खाने में कितना स्कूल चाहिए, बहुत ज्यादा, एक ही चार भी और भी है, एक ही बात में एक ही, देखिए वो सिग्नल की बहस कर रही है, कंफर्म करते संतेज प्राइमरी स्कूल, आज मेरा यहाँ पर पदार्पण हुआ है, मैं कह सकता हूँ कि शक्तिमान अवतरित हुआ है, शक्तिमान बच्चों के बीच में एक अजीब किस्म की एक केमिस्ट्री है, जो मैं आज से कम 97 से आज तक मैं चल रहा है मेरा बच्चों के साथ में, मैं हमेशा बच्चों का विकास चाहता हूँ, मैं एज मुकेश खन्ना भी देख रहा हूँ कि देश में बच्चों को, अगर इसी देश को सुधारना है तो बच्चों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के कंधों पर हमारे देश का भविष्य टिकने वाला है, इसलिए बच्चों का एजुकेशन क्या है, बच्चों को आप क्या सिखाते हो, बच्चों को आप क्या नहीं करने को बोलते हो, ये बहुत ज़रूरी है, और ये हर स्कूल का एक नियम होना चाहिए। नंबर 1 नंबर 2 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ हाउ मच यू हैव लर्न, आपने स्कूल में क्या सीखा, अगर आप सपोजिंग कल आपके घर में पैसा नहीं है, आपको ट्रेनिंग काम आएगी कि आप कारपेंटरी का काम कर सकें, आप टोकरी बना सकें, आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकें, जिसको बोलते हैं स्किल ट्रेनिंग, जो हमारे स्कूलों में नहीं थी, और मुझे खुशी हुई कि संतेज इस स्कूल में मुझे दिखाया है कि इन लोगों ने स्किल ट्रेनिंग का पूरा इंतजाम करके रखा है, बच्चे लोगों को सब कुछ बताया जाता है, स्क्रू ड्राइवर से लेकर कंप्यूटर तक, और हर चीज़ मैंने देखी जो मैं सोच रहा था, तो मुझे खुशी है, मैं इनके सारे जो प्रिंसिपल्स और जो भी यहाँ के इनके योजना है वो उनको कहना चाहूँगा कि इसी परंपरा को आगे बढ़ाइए, और ये मुझसे कह रहे थे कि गुजरात में ये है, गुजरात में ये है, मैंने कहा साहब गुजरात में क्यों, महाराष्ट्र में क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ पूरे देश में एक, और मुझे कहा भी गया है कि गुजरात का रोल मॉडल पूरे देश को फॉलो करना पड़ रहा है, जब करना पड़ेगा, मोदी जी जब तक हैं देश का आगे जाने वाला है, मोदी जी अगर सपोजिंग मार मार काट के कट कट करके जो पॉलिटिक्स होती है उठा पटक करते रहते हैं, मोदी जी नहीं रहे तो 50 साल तक देश का रोशन कोई नेता मुझे नजर नहीं आता, माफ करना, मैं सिर्फ ये देख के बोलता हूँ, मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं वो दूरंगामी है, आपके दूर तक सोचते हैं। सो अगेन मैं कहूँगा ये थल तेज, ये आप इसका मतलब होता है थल के अंदर तेज, पृथ्वी पर तेज, तो ये थल का जो तेज है इसको आप बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू।